आज मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह पोको C55 मोबाइल में डायल पैड टोन्स किस तरह शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जब आप नंबर डायल करें तो टोन भी बजे, तो वो किस तरह कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। अगर अभी मैं नंबर डायल करूंगा तो कोई आवाज़ नहीं आएगी। तो नंबर डायल करने के लिए आपको डायलर ओपन करना पड़ेगा। ये जो फ़ोन का सिंबल दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। अभी मैं एक नंबर डायल करता हूं। तो मैंने नंबर डायल किया, लेकिन नंबर डायल करते वक्त कोई भी आवाज नहीं आई। तो मैं चाहता हूं कि जब मैं नंबर डायल करूं तो आवाज आए, टोन बजे। तो किस तरह हम ये कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको बैक आ जाना है। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह हम डायल पैड टोन्स ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, फिर साउंड एंड वाइब्रेशन इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग्स इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको दिखाई देगा डायल पैड टोन्स, तो ये बंद है, इसलिए नंबर डायल करते वक्त आवाज़ नहीं आ रही है। तो इसे हमें ऑन करना पड़ेगा। तो ऑन करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। डायल पैड टोन्स ऑन हो गया है। अब मैं बैक आ जाता हूँ। अब दोबारा से मैं नंबर डायल करूँगा तो फ़ोन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ नंबर डायल करता हूँ। अब आप सुनना कि अब मैं डायल करूँगा तो आवाज़ आएंगी। तो आपने सुना, अब मैंने नंबर डायल किया तो आवाज़ आई, क्योंकि हमने डायल पैड टोन्स ऑन कर दिया है।